बीते दिनों चंबा जिला में भारी बर्फबारी से काफी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से जिला के ज्यादातर हिस्सों में ना तो बिजली है ना ही पानी। बीते चार दिनों से जिला मुख्यालय में भी अभी बिजली पानी की व्यवस्था ठप सी है। जिला मुख्यालय से जुड़ती तहसीलों की बात की जाए तो वहां पर भी हालात कुछ अच्छे नहीं दिख रहे। बिजली पानी की बात तो दूर की रही, परंतु अभी तक वे सड़क सुविधा से भी नहीं जुड़ पाए हैं। इसी बात को मुद्दा बनाते हुए जिला चंबा के कांग्रेस अध्यक्ष नीरज नैयर ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सरकार व प्रशासन पर हमला बोलते हुए कहा कि जबकि मौसम के खराब होने की सूचना जिला प्रशासन के पास पहले से थी, उसके बावजूद चार दिन बीत जाने पर भी जिला की जनता को बिजली पानी की सुविधा से वंचित क्यों रखा जा रहा है। दो तीन दिन पहले हमारे यहाँ चंबा के अंदर बहुत भारी बर्फबारी हुई, बहुत तूफान हुआ आया और कई दिनों से जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट के कई इलाकों के अंदर जो बिजली है वो बंद है, ठप पड़ी है और पानी की जो समस्या है लोगों को उस पानी की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। साथ ही में और जो सड़कें हैं वो जगह जगह पे जो है बाधित हैं। अभी भी जो कुछ इलाके हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं और सड़क के मार्ग से कट ऑफ हैं। लोगों को आने जाने की बहुत ज़्यादा जो है परेशानी है, लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अभी मार्च में बच्चों के इम्तिहान हैं, आप लोग सब जानते हैं मार्च में पेपर होते हैं, तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी काफ़ी बाधित हो रही है। मैं आज इस माध्यम से सरकार को ये बोलना चाहूँगा कि आजकल हमें पहले से ही पता था, आजकल नेट की जो फोरकास्ट है इतनी अच्छी होती है कि आपको पहले ही पता लग जाता है। और मेरे को पता है यहाँ डीसी साहब के माध्यम से और सबसे हमें पता लगा कि स्कूल जो बंद रहेंगे, और मतलब पता था सरकार को कि ऐसी जो समस्या है ये आने वाली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं प्रशासन को तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि प्रशासन ने जो उनके पास सीमित साधन थे, प्रशासन ने सीमित साधन के अंदर पूरा काम करने की कोशिश की, लेकिन ये सरकार का दायित्व बनता है। जब उनको पता था कि इस तरीके से मौसम में एक बड़ा ख़राब जो करवट लेने वाला है, तो जो उनको पहले से जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। और जैसे अभी भी कुछ इलाके हैं जो बिजली से वंचित हैं, सड़कें कई जगह बंद हैं, मुझे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लोग बहुत परेशानी से जो है जूझ रहे हैं। ये सरकार का काम है, सरकार को जो ये खंभे हैं, जो ये ट्रांसफार्मर हैं, ये इमीडिएटली इनको जो है प्रोवाइड करने चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो। और जहाँ तक मशीनरी की बात है, जहाँ सड़कें खोलने की बात है, तो ये सरकार का दायित्व बनता है। और यहाँ के जो हमारे सारे जो यहाँ के जो नुमाइंदे हैं जो यहाँ से जीत के आए हैं, इनका दायित्व बनता है कि जो ये सड़कें हैं, जो पानी की समस्या है, इसको जल्द से जल्द जो है सुचारू रूप से जो है ये चालू करें। बात ऐसी है कि आजकल के वक्त के अंदर, आज से 10 साल पहले अगर बिजली बहुत दिनों के लिए चले जाए, पानी बहुत ज़्यादा दिनों के लिए चले जाए, तो बात मानी जा सकती थी। तब सड़कें खुलती थी लेबर लगा के, आदमी लगा के। आजकल मशीनरी है, इक्विपमेंट है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सरकार की थोड़ी सी नलायकी तो इसके अंदर रही है। अगर 10 दिन और लगेंगे तो ये भी मैं सोचता हूँ कि इसमें सरकार की नलायकी है। प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को नीरज नैयर ने फ्लॉप करार दिया। जो बजट है उसको बड़ा हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ उन्होंने पहुंचाने का काम किया है, पर ये सिर्फ एक साल का बजट है क्योंकि अप्रैल में इलेक्शन है। और लोगों को कुछ इन्होंने डीए जो है डीएनएस अलाउंस है उन्होंने कुछ अनाउंस किया है, ऐसे ही उन्होंने कुछ और स्कीम्स है। पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने बोला था कि हम 65,000 करोड़ रुपया जो है सड़कों के लिए मुहैया करवाएंगे। उसके ऊपर मेरे ख्याल बजट के अंदर सरकार ने कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं लिखा। बेरोज़गारी के ऊपर उन्होंने जो बात रखी थी उसके ऊपर भी उन्होंने कोई ऐसा फंड नहीं बताया जिससे कि बेरोज़गारी भत्ता जो हमारे कांग्रेस की सरकार के टाइम में जो चलता था उस पर भी उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया। हमारे कांग्रेस सरकार के टाइम में स्कूल में बच्चों को वर्दियाँ दी जाती थी फ्री में, और उसके ऊपर भी सरकार ने कोई भी ऐसी बात जो है बजट के अंदर नहीं रखी। तो मिलजुल के मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो बजट भी है इनका, ये भी बिल्कुल जो है हर
तरीके से मुझे लगता है फेल रहा। और जो इन्होंने स्कीम्स अनाउंस भी की हैं, वो पैसा कहाँ से ये पूरा करेंगे उसके बारे में मैंने उन्होंने कुछ नहीं लिखा। तो ये बेसिकली जैसे दिल्ली में मोदी सरकार जुमलों की सरकार है, उसी के पद नक्शों पे चल के मुझे लग रहा है हिमाचल की सरकार भी जो है ये जुमलों की मात्र सरकार जो है बनने जा रही है। चंबा हलचल के लिए तारिक मोहम्मद के साथ जोगिंदर पाल ठाकुर की रिपोर्ट।